हुजूर की इत्तेबा क्या है कि हुजूर की शरीयत के मुताबिक लिबास पहनना चाहिए। ये जितने मेरे भाई नौजवान बैठे हैं आप सब ने तवज्जो करनी है, चूंकि मैं बाजार में होता हूं, खुदा की इज्जत की कसम अपनी आंखों से जब देखता हूं जवानों को कि लिबास ऐसा पहनकर बाजार में जाते हैं कि मैं मर्द होकर शर्म से आंखें झुक जाती है, उनका लिबास पूरा होता ही नहीं है, यहां तक उन्होंने वो छोटा सा एक अपने जिस्म के ऊपर पहना होता है और फिर ऊपर थोड़ी सी शान सी शर्ट पहनी होती है। ठीक है, बोलो सही है। आपको पता है कि मर्द का जो सतर है वो क्या है? नाव से लेकर घुटनों तक ये जगह छुपाना मर्द के लिए लाजिम है। बताएं अगर बाजार में ये हाल है। मेरे एक भाई आज मेरे पास दिन में बैठे हुए थे, वो पटवारी है शोबे में, और वो मुझे कह रहे थे हाफिज साहब पहले वक्तों में जब मैं छोटा होता था तो मैं अगर पेंट शर्ट पहन लेता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेंट शर्ट ना पहने, ठीक है पहने, लेकिन कम अज कम लिबास जो होना चाहिए वो आपका सदर तो टॉप ऑफ होना चाहिए। वो कहते हैं कि पेंट शर्ट अगर मैं घर में पहनता था तो यकीन जाने कि कमरे से शर्म के बारे बाहर नहीं आता था कि वालिदा और बहन और भाभी देखेंगी तो क्या कहेंगी। और मैं आपको अपनी बात बताता हूँ प्रोफेसर साहब, जब भी बच्चा था मैं पढ़ रहा था मनीला की सरजमीन पर था, अभी तो मैं आपके इस इलाके का हूं, तो वहां जब मस्जिद से मैं घर आता था सर के ऊपर जो टोपी पहनी होती थी उसको धोकर अगर चंद रमों के लिए रखते थे, कई दफा वालिदा इकरामी कहती थी दो बाजार से ये चीज साथ बाजार था, तो मैं इंतजार करता था कि कब मेरी वो टोपी सूखे और फिर मैं उसे अपने सर पर रखकर बाजार में जो शर्म आती थी कि लोग कहेंगे दीन पढ़ रहा है कुरान हिफज कर रहा है और नंगे सर ये बोल रहा है। नौजवानों ये लिबास जो है अगर हुजूर की गुलामी का नारा लगाते हो कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मैं तरन्नम तुसों की सुनासा तरन्नम जिसी सो दिखने हो इंशाल्लाह तरन्नम इस गल्ला सुनासा, लेकिन एक गल्ला जी की इना की जले अभी जगह दे सो कि जे लिबास पहनकर जब नौजवान बाजार में घूमता है तो बताए अल्लाह उस बंदे पर राजी होगा या अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर लानत बरसती होगी। मुस्तफा की गुलामी का नारा ये लगाते हैं, मिलाद की नफल होती है नारा लगाते हैं गुलामी या रसूल ने मौत भी कबूल है। आज तक किसी ने ये कहा कि गुलामी या रसूल ने निवाज रोजा इत्कार हज और गुलामी या रसूल ने सुन्नत के मुताबिक लिबास में कभी कबूल है? अगर ये नहीं है तो फिर मुझे बताइए सारा क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह के साथ नहीं अपनी जात के साथ धोखा कर रहे हैं, ये मुस्तफा के साथ नहीं अपनी जात के साथ धोखा कर रहे हैं। दोस्तों नौजवानों ये बुरे बैठे हैं, खुदा की इज्जत की कसम हम क्या करते हैं कि हमारी बच्चियां छोटी होती है घर में हम उन्हें वो जेंस की पेंटे जो वो पहनाते हैं छोटे छोटे लिबास उन्हें पहनाते हैं। बचपन में अगर आप ये करते हैं तो जवान होकर फिर आप ये कहें कि बच्चे खराब है, ये बच्चे खराब नहीं वालदेन खराब है, उन्होंने रोज अमल से अपनी औलाद की तरबियत ही नहीं की है। ये सारी बातें देखने में आ गई है, आंखों से देखा है, मुशाहदे में आई है। हम तो कोशिश तो करता रहता हूं, मैं अपनी बात आपको बताऊं कोशिश करता रहता हूं, घर वालों से भी ये कहता रहता हूं कि ऐसा इस तरह का लिबास नहीं होना चाहिए, कोशिश बंदे को करनी चाहिए, अपने हक की तबलीग हर बंदे को करनी चाहिए, जितनी जितनी अल्लाह ने उसे सलाहियत दी है वो तबलीग हर बंदे को करनी चाहिए। अगर बाप है माँ है उनके लिए लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तबीयत शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक करें, अगर नहीं करते कब्र में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि औलाद मैंने दी थी मेरी नियामत थी, पता मेरी उस नियामत पर मेरा शुक्र कितना अदा किया और उस नियामत की तूने कैसे कदर किया, उसकी तरबियत तूने कैसे किया।